अस्सलाम वालेकुम जी, सारे दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे खैरियत से। हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ और हर दफा की तरह यही उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगी। आज जी हमारी मुर्गियां आ गई हैं, मुर्गियां भी दिखाते हैं आपको, टर्की बर्ड्स भी दिखाते हैं, पिजन्स भी दिखाते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ सेटअप पे, ठीक है। सबसे पहले अपने जानवरों को चेक किया, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, उसके बाद फिर वीडियो बनाने लगा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को मैं अपनी मुर्गियां दिखाता हूँ। चेक करें जी, दोनों मुर्गियां क्लोक हैं। और कल रात को मैं लेके आया था, इस वजह से वीडियो नहीं बन सकी थी, इस टोकरी में डाल के दी थी। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं वकार मेहर भाई जंग से, उन्होंने ये मुर्गियां भेजी थी और बड़ी खुशी हुई कि यार अच्छी चीज भेजी है उन्होंने। इसको रख देते हैं साइड में। तो जी मुर्गियों को खोलते हैं जी। आ आ आपस में लड़ने में शुरू हो जाए। आ जा अभी इनको दाना पानी भी डालते हैं। वैसे कल रात को मैं डाल के गया था। चलें जी चेक करें जी, ये दोनों बहनी हैं। वकार भाई कह रहे थे लसानी की है। आ आ दूसरे हमारे तो ये बाहर निकले हुए, टर्की बर्ड वो खड़े हुए। चलो ये बाहर चुकते हैं, तब तक हम दूसरों को खाना डालते हैं। ये घर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। पिजल चेक करें जी, ये इस तरह क्यों बैठा हुआ। ये जी ब्लैक शराजी जो नहीं है, कल एक दोस्त कमेंट कह रहे थे आपके जो ब्लैक कलर किया ये शराजी नहीं है। ये वाकई शराजी नहीं है भाई, क्रॉस में है, लेकिन जिससे मैंने लिए थे उसने मुझे ब्लैक शराजी करके दिए थे, तो मैं इसीलिए इनको शराजी पिजन्स कहता हूँ। शराजी शराजी चेक करें, माशाल्लाह अब जी मुर्गियों को दाना डालते हैं। आ कबूतर क्या नाम है, खरगोशों को भी आवाज चली गई है। देखने में मुर्गियों की इतनी ज्यादा एज नहीं लग रही, अभी यंग ही है। अब इनके लिए अंडों का भी बंदोबस्त करना है जी। आ जा ये ले। ओए बड़ी जालम है यार ये तो। मुर्गियां वापस बंद की हैं जी, इस बेचारे की जो कल गई उधरने लगी थी। तोबा तोबा बहुत लड़ाकी हैं ये। वीडियो में नहीं डाल सकता दोस्तों, माजरा चाहता हूँ, लेकिन हाँ अपने टेलीग्राम पे मैं ज़रूर डाल दूंगा, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। अरे कपतियो ये दोनों एक को ही पड़ गई हैं, दोनों के पोटे फुल हैं, चेक किया मैंने। डेंजरस है डेंजरस, इनको लदे ही रखना पड़ेगा यार। बहुत बहुत बुरा सीन किया मुर्गियों ने, अभी इनको खोला हुआ था तो बेचारे टर्की बर्ड्स को मारना शुरू कर दिया इन्होंने।
वो तो इतना बड़ा, वो एक तरफ से घूमता है, दूसरी तरफ से दूसरी इधर कलई पकड़ लेती है उस बेचारे की। अभी उसको इतना गुस्सा था, पिंजरे के अंदर जाके उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने मुर्गियों को बंद कर दिया। मैंने कहा तुसी अंदर ही ठीक हो। अच्छा जी, माशाल्लाह से जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया और कल भी बताया था, दोनों मुर्गियां जो हैं क्रुक हैं। तो अगर मेरे किसी दोस्त किसी भाई के पास एग्स पड़े हुए हों तो वो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताए, मैं उसके साथ रब्ता कर लूँगा। लेकिन अच्छी अच्छी नस्ल के मुर्गे के अंडे हों ताकि चीज़ निकले तो पता भी लगे और मुनासिब कीमत पे हों। कीमत भी ज़्यादा नहीं बतानी भाई हो, तो ये लाजमी आपने मेहरबानी करनी है कि जिसके पास एग्स पड़े हुए हों वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताए, मैं रब्ता कर लूँगा उससे। अच्छा जी, हाँ आराम आया? ये भी बड़ा डॉन बना हुआ ना, सारों को मार के आगे पीछे करता है ये। चलो जी, इनका पानी, इनके बर्तन धो के पानी लेके आते हैं इनका। अभी जी बर्तनों की कंडीशन देखें, अभी इन पे हल्का हल्का पानी मारते हैं ताकि मिट्टी वगैरह नरम हो जाए, उसके बाद फिर इनको अच्छी तरह मांज के फिर इनको इनमें पानी डाल के देते हैं। वैसे तो फिर उन्होंने गंदी कर देनी, कल लगे कितने साफ सुथरे करके मैंने पानी डाला था। रॉकी करना तो फिर भी यही है, लेकिन चलो मेरे ख्याल से पहले इनकी मिट्टी वाली जगह पे पानी का तरोका मार देते हैं, क्या कहते हैं जी? माशाल्लाह से इनके बर्तन चमका दिए। अब पानी डाल के लेके जाते हैं, इनमें डाल के देते हैं। खरगोशों का पानी डाल दिया जी, वो पड़ा हुआ, कबूतरों का भी डाल दिया, अब मुर्गियों की बारी है। अब इनका भी डाल देते हैं, पहले जो पड़ा हुआ था वो खरगोशों का बर्तन था, वो मैंने उठा के साफ कर दिया। चलो जी। अच्छा जी, आज गुड न्यूज ये है कि टर्की फीमेल ने एग दे दी है, और ये यहाँ दिया है इसने, क्योंकि रात को ये यहीं पे सोती है, इसने इधर ही दिया। हाथ नहीं लगाने देते ये खरगोश। अच्छा जी, अब इन इसके अंडों के लिए बर्तन लाते हैं, और ये दो अंडे इसने दिए हैं। मेरा दिल है मुर्गियों जो भी अंडे रखूँ ना, दो ये भी नीचे रखते हैं मुर्गी के। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है ये दो अंडे जो इसने दिए मुर्गी के नीचे रख दूँ या ना रखूँ। बर्तन में रखूँगा जी जो टर्की फीमेल ने अंडे दिए हैं, अभी तक तो दो ही हैं, इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे। देखें जी, माशाल्लाह से दो एग्स हो गए हैं, इनको फिलहाल इस पिंजरे में रख देते हैं जी। इनको इस पिंजरे में रख दिया फिलहाल, क्योंकि इससे सेफ जगह फिल वक्त नहीं थी। अच्छा जी, ये देखें, ये इसी तरह साथ होते, ये मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल, कल मैंने इसको पकड़ भी लिया था, पकड़ाई भी दे देता ये, अब गम भाग रहा है। अच्छा जी, एक और मजे की बात बताऊं, जब से ये टर्की बर्ड्स मेरे आए हुए थे मैंने नहीं देखा कि मेल ने फीमेल को क्रॉस किया हुआ हो, तो कल मैंने इनको क्रॉस भी करवा दिया। तो अगर आप दोस्त कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह मैंने क्रॉस करवाया। चेक करें जी, क्रॉस मैंने इस वजह से करवाया, मैंने कहा ये ना हो कि वो टर्की फीमेल अंडे देती रहे और फर्टाइल हो ही ना, तो मैंने कहा शहजादे तू हर टाइम फूला फूला रहता है और तेरा दाल भी नहीं गल रही, आज अब फूले बगैर ही तेरा काम करवाएं। तो इंशाल्लाह अब जो एग होंगे मुझे उम्मीद है कि वो फर्टाइल ही होंगे। पहले भी जिस भाई ने भेजे उसने कहा फर्टाइल एग्स ही हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने इसको क्रॉस करवा दिया था। और दूसरा ये देखें,
ये देखें, इसको देखें, इधर आते ही ऐसे इधर। वैसे ये पास पास ही रहता है, मस्तियां करता रहा, कभी पैरों पे चुंजे मारेगा आके, कभी हाथों पे। गया जी मेरा ब्लैक शराजी। फिर इसका काम तो हो गया जी दोस्तों, अब मुर्गियों की जरा टेंशन है। अब मुझे ये बताएं कि इनकी कुड़ुक कितने दिन तक रहती है, ये ना हो के अंडे आए और इनकी कुड़ुक ही खत्म हो जाए। एक भाई से डील चल रही है, उस उनके पास जो है कौन सा मुर्गा है, वो वाइट कलर का जो होता है हीरा, हीरे के अंडे पड़े हुए, हीरे मुर्गी के अंडे पड़े हुए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनसे डील हो जाएगी, तो वो अंडे मैं लेके इनके नीचे रखूंगा, छः छः अंडे। चलें जी जी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर कर दें जिनको शौक है परिंदों वगैरह का। माशाल्लाह से आज टर्की फीमेल ने भी अंडा दे दिया, हमारी मुर्गियां भी आ गई, और इंशाल्लाह आप जो कल जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें एक और गुड न्यूज़ है, वो भी आपको मैं देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।